इस वीडियो में हम DWDSSR का 2020-21 का SSR एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। उसके लिए मैं गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करता हूँ। फिर मुझे यहाँ सर्च करना है PWD महाराष्ट्र। महाराष्ट्र PWD पर एक सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पे मैं जैसे ही कर्सर लेकर आता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नज़र आते हैं। मुझे EDSR पे एक सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ लिखा हुआ है यहाँ मुझे SSR सिलेक्ट करना है। यहाँ मुझे सन सिलेक्ट करना है। उसके बाद 100 EDSR पे क्लिक करना है। मेरे पास ये इंडेक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद मुझे एक्सपोर्ट इन एक्सेल शीट पे एक सिंगल क्लिक करना है। इसका मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर SSR दो हजार बीस 2021 करता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। ये डाउनलोड हो चुका है। ये SSR PDF में है और ये एक्सेल में है। जब मैं ये PDF को ओपन करता हूँ तो ये SSR एक सिस्टमेटिक है। आप देखेंगे ये 100% प्रिंट के लायक है, यूज़ के लायक है। मैं इसे बंद करता हूँ। लेकिन जब आप इस एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम दे रहा है। आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये यूज़ नहीं कर सकते इस कंडीशन में। तो अभी हम इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं फाइल पे जाता हूँ और इसे सेव एस करता हूँ। ब्राउज करता हूँ। इसका नाम मैं SSR 2020-21 और इसके आगे नंबर 1 कर देता हूँ मैं। आपको जो पसंद है वो नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे चेंज करना है एक्सेल वर्कबुक और उसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये डबल डबल होने की वजह से वहाँ नहीं ले रहा है तो मैं यहाँ सिर्फ उसका नाम 1 कर देता हूँ। और उसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसे अब मैं बंद करता हूँ। मैं इसका नाम रीनेम भी कर सकता हूँ। रीनेम करेंगे SSR 2020-2021। इसे मैं ओपन करता हूं तो जो पहला SSR था जो ओपन में प्रॉब्लम दे रहा था अब वो सेवाइज करने के बाद प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। मैं इसे मिनिमाइज करता हूं और जो पिछला SSR उसे ओपन करता हूं तो देखिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। मैं इसे कट करता हूँ और ये जिसमें मुझे फॉर्मेटिंग करना है जिसको मैंने सेवाइज किया उसे ओपन करता हूँ। पेज लेआउट में जाना है और ओरिएंटेशन में जाना है, लैंडस्केप करना है। मेरा ये पहला चैप्टर है, दूसरा आइटम नंबर है, रेफरेंस है और डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बड़ा कर देना है। ये पेज के हिसाब से मेरे पास रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पहले रो को सिलेक्ट करता हूँ, होम पर जाकर इसे मर्ज और रैप टैक्स करता हूँ। इसी तरीके से दूसरे को भी मैं उस तरीके से करता हूँ। फिर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैं का इस्तेमाल करके इसे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा SSR सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे
इस होम टैब पर फॉर्मेट में जाकर इसे ऑटो फिट बोलना है और रैप टेक्स्ट कर देना है। इसके बाद मुझे अलाइनमेंट में जाना है, इसे जस्टिफाई करना है और ये जो वर्टिकल है इसे टॉप करना है और इसे ओके कर देना है। तो आप देखेंगे ये SSR मेरा फॉर्मेट हो चुका है। अब मुझे ये बिल्कुल PDF की तरह तैयार करके लेना है। जैसे अगर मैं इसे कंट्रोल पी करके देखता हूँ तो इस तरीके से सही नहीं दिखाई देता और पेज भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी और फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट शीट रो करता हूँ एक, और इसे टोटल सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करके मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ। होम टैब में फ़ॉन्ट के ऊपर यहाँ इस एरो पे क्लिक करता हूँ और ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। उसके बाद पेज लेआउट में जाता हूँ, प्रिंट टाइटल के इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, शीट पे क्लिक करता हूँ, रोज टू रिपीट एट टॉप पर क्लिक करता हूँ और ये दोनों रो को मैं सिलेक्ट करके ओके बोल देता हूँ। कंट्रोल एस किया करता हूँ, कंट्रोल पी करके अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से हर पेज पे ये मेरी हेडिंग आ जाती है। अब आप देखेंगे ये जो रेट्स दिए हुए हैं तो ये दो डिजिट में होना चाहिए, यहाँ पर वो दो डिजिट में नहीं है। हम इसे करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम और है, पहले उसे सॉल्व करते हैं। मैं नीचे आते जा रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर रेट इस पर जो है, यहाँ पे जो ब्लैंक है इसे दुरुस्त करना होगा। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही बॉटम पे मैं कर्सर लाता हूँ तो यहाँ मुंह का एक आइकॉन बन जाता है। बस मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे शिफ्ट कर देता हूँ। उसी तरीके से मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के डाउन एरो इस्तेमाल करके मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ पर मैं मूव कर देता हूँ। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ मूव कर देता हूँ तो मेरा ये रेट की जगह पर बरोबर आ जाता है। उसी तरीके से जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है मुझे दुरुस्त कर लेना है। मैं यहाँ शिफ्ट दबा के डाउन एरो से इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे यहाँ मूव कर रहा हूँ। यहाँ सिलेक्ट करना है और इसे मूव करना है। इस तरीके से मैं जितने भी इसमें प्रॉब्लम है उसे मूव कर ले रहा हूँ। सिर्फ प्रेस करना है और इसे सिलेक्ट करना है।
कर्सर को बॉटम में लाना है और इसे मूव करना है। इस तरीके से यहाँ सिलेक्ट कीजिए, मूव पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ मूव करना है, इस तरीके से रेड आखिर में सब एक जैसा आ चुका है। मैं एक बार फिर से इसे सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से। जब तक ये सिलेक्ट ना हो उसी तरीके से करते रहना है और टोटल SSR को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूव करने की वजह से इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया होगा बॉर्डर में। मैं फिर से इसे राइट इस ट्राइंगल पे क्लिक करता हूँ और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से इसे सिलेक्ट करता हूँ। देखिए जब मैं इस पे कर्सर लाता हूँ होम टैब के अंदर इस पे कर्सर लाता हूँ तो इंक्रीज डेसिमल बोलता है और यहाँ लाता हूँ तो डिक्रीज डेसिमल बोलता है। तो मैं इसे इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पूरा ये इंक्रीज हो चुका है। अब मैं इस कॉमा पे क्लिक कर देता हूँ जिसकी वजह से इस तरीके से हमें इसको पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और कंट्रोल पी करके इसे चेक करता हूँ तो मेरा ये SSR रेडी है। इस तरीके से मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे बंद करता हूँ।